सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस तरह से भगवान ने जो गजेंद्र की सहायता की, रक्षा की, और गजेंद्र ने देखा कि भगवान को मैं क्या दूं, अरे परमात्मा आ गए, मेरे प्राण बचा लिए, अब दूं क्या, कुछ और नहीं दिख रहा है। सरोवर में कहीं से एक कमल का पुष्प अचानक दिख गया। गजेंद्र को लगा, ए गोविंद, तुम्हारे पास इतने कमल है, मैं तुम्हें ये कमल क्या सौंपूं, क्योंकि भगवान के पास तो ऊपर से लेके नीचे तक मुख कमल, नेत्र कमल, ये कर कमल, चरण कमल, अरे तुम कमलों की खान हो, क्या दे। जब कभी तुम्हारे जीवन में ये बात आ जाए कि भगवान को देने के लिए तुम्हारे पास जो सामग्रियां हैं, तुम्हें सोचना पड़े कि मैं क्या दूं भगवान को, उस समय समझना कि आज अगले पल तुमको एहसास होगा कि तुम्हारी भक्ति सार्थक हुई। मेरे पास क्या है, कुछ धन, ये कुछ संसार में जिन नोटों से हमारी ख्याति बनती है, भगवान हम तुमको ये दें, या तुमने ही जो स्वरूप हमें दिया है उसको ही थोड़ा और सजा करके तुम्हारे सामने ले आए। दे तो दे क्या गोविंद, हमारे पास जितना है सब तुम्हारा है, वो कुछ है ही नहीं हमारे पास वो जो तुमको दे पाए। फिर भी अपने इन भावों के ये सुमन, ये पुष्प गूथ करके और एक माला कभी भाव से तुम्हें दें, तो हमारे उन भावों को स्वीकार कर लेना गोविंद। हम नहीं है उस योग्य जो तुम्हें और कुछ दे पाए। तरीका अब निराला अपनी सेवा का उन्हें दिखाएंगे, युगल सरकार की तस्वीर अपनी आंखों में खिंचाएंगे। पुजारी प्रेम के द्वारा उचित पूजन कराएंगे, और अंतिम में बहुत सुंदर बात कही है कि गिराकर बिंदु आंखों से, गिराकर बिंदु इन आंखों से हम बहा देंगे नदी गंगा। गंगा को खोजने हम कहां जाएंगे, वहां जाना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा जो अंतर में है वो नेत्रों के प्रेमाश्रु बन के बाहर आएगी गोविंद। तो गिराकर बिंदु आंखों से बहा देंगे नदी गंगा, तुम्हें नहलाकर फिर हम इसमें गोते लगाएंगे। इस तरह से तरीका अब अपनी निराला अपनी सेवा का तुम्हें दिखाएंगे। और तब गजेंद्र ने वही एक कमल का पुष्प भाव उड़ेल करके और गोविंद के श्री चरणों में रख दिया। स्वीकार कर लेना प्रभु। परीक्षित, कभी भूल से भी पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान न कर देना। जो फूल गोविंद के चरणों में चढ़ जाए, जो फूल गुरु तक पहुंच जाए, वो फूल कभी हमारे तुम्हारे चरणों के तले नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना।